क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इन जीपी इज 512, राइट. इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इन जीपी इज 512, तीन नंबर का प्रोडक्ट जीपी का, प्रोडक्ट जब भी बोले तो नंबर हमेशा यही लीजिएगा, तो इसका मतलब ए क्यूब इक्वल टू 512, यानी इसको 2 की पावर आप 9 लिख सकते हैं, राइट. अगर 2 की पावर 9 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 8, राइट. अब आपको ये समझ में आ गया कि नंबर क्या है, 8 है. अब क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखा है आपने, ध्यान रखिएगा, 2 क्यूब की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब. अब ए आ गया 8. अब आपको बोला है कि इफ 4 इज एडेड इन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में भी 4 ऐड करो मतलब 8 बाय आर प्लस 4, सेकंड नंबर में भी 4 ऐड करो तो 12 हो जाएगा, थर्ड नंबर सेम रहा. अब ये बन गई एपी. तो ओरिजिनली नंबर क्या थे जिनका आपको सम बताना है. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर नंबर पूछे होते तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, नंबर नहीं पूछे, पर आपको यह पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए आर माइनस 12, राइट. सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या कर रहा है, 12 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 8 बाय आर. अब ये देखिए 8 माइनस 8 बाय आर इक्वल टू, ए तो 8 है तो 8 आर माइनस 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आप चाहो तो 4 से पूरा कैंसिल भी हो रहा कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 ऐसा लिख लीजिए, 2 आर माइनस 2 इक्वल टू बोलिए 2 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3 आर. पूरी इक्वेशन एक तरफ अरेंज कर लीजिए, 2 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट. फैक्टर बन गया 4 एंड 1, यानी आप ऐसा लिखते तो r की वैल्यू क्या आ जाती, देखिए r की वैल्यू आ जाती एक 1/2, ऐसा लिखते आप 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 2. अब देखिए 2 आर कॉमन तो r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन तो r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r की दो वैल्यू आ गई 1/2 और 2, हमेशा ही रेसिप्रोकल होती है. तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर थे 8 बाय आर, 8 और 8 आर. आर की वैल्यू अगर सपोज आप 2 लेते तो 4, 8, 16. 1/2 लेते वही होता, तो 28 इज अ राइट आंसर. जीपी का देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिए जिससे कोई मिस्टेक ना हो. नोट कर लीजिए क्वेश्चन.